चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ये समाज, ये हमारे माँ बाप, ये हमारे भाई इस लड़ाई को मजबूती के साथ उठा लेंगे। मुख्यमंत्री साहब, 5 दिन में हमें न्याय ना मिला तो हम आत्मदाह कर लेंगे। इस सारे मसले को लेकर सर्व खाप की, सर्व समाज की पंचायत जो है सोरम में। देखो, किसान बिरादरी जब दिल्ली में पांच दर्द है, फिर करे बहनों भाइयों मेरी गलती माफ करना। को समाधान तक संघर्ष जारी रहेगा, चाहे कुछ भी बात हो जाओ। क्या एक्शन लेंगे उस पर भी विचार करना होना चाहिए। दिल्ली पुलिस इतनी बड़ी पुलिस नहीं है। भारत माता की, किसान एकता, और से बोले किसान एकता, किसान एकता। हमारी बहनों के सम्मान में आज जो सोरम की पवन धरती पर ये महापंचायत आयोजित हुई है, आज देश के अंदर अराजकता की स्थिति पैदा हो चुकी है। 30 तारीख में जब हमारी बहनें, जिन्होंने अपने खून पसीने से इस देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने का काम किया, उनकी आंखों में आंसू देखे तो पूरा देश रो रहा था। कि जब वो बेटियां उस गोल्ड मेडल को लेकर के हरिद्वार की पावन भूमि पर बैठी थी, तो कहां सोई हुई थी वो केंद्रीय सरकार और कहां सोई हुई थी वो राज्यों की सरकार, जो एक नुमाइंदा जाकर के ये भी नहीं कह पाया कि आप इस देश के गौरव को इस तरीका से इस गंगा में प्रवाहित मत करो। तब मेरे देश के इन चौधरियों ने, आदरणीय नरेश टिकैती ने, बाबा श्याम सिंह जी ने, बड़े भाई सुरेंद्र जी ने, सभी ने वहां जाकर के छोड़ी फैला करके अपनी बेटियों से भीख मांग करके ये कहा कि जब तक हम हैं आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, अभी हम हैं अपने घर में। लेकिन उन बेटियों ने आपसे क्या मांगा? उन्होंने कहा मैं आपको 5 दिन देंगे, 5 दिन। अगर 5 दिन में हमको यह लगेगा कि यह समाज, ये हमारे माँ बाप, ये हमारे भाई इस लड़ाई को मजबूती के साथ उठा लेंगे, तो हो सकता है कि हम कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाएंगे। पंचायत में क्यों आ रहे थे आप चौधरी? 30 तारीख में जो बेटियों के साथ दिल्ली में वो उसमें इन्होंने करा, उधर संसद का उद्घाटन कर रहे, कह रहे देश का मंदिर है, उनके साथ इतना अत्याचार, इतना दुराचार दिल्ली पुलिस के द्वारा। माल्या, धरना ही खत्म करवाना था, उसके तरीके थे वो, लेकिन इस तरीके से असमत खराब करी जा रही बेटियों की, भाइयों की। फिर वे वहाँ से हरिद्वार पहुँची मेडल गंगा जी के किनारे, वहाँ टिकैत साहब को खबर लग गई, टिकैत साहब उनके पीछे भागे, वे मनाए सनाए, मानने भी वे शर्तों में। उन्होंने ही टाइम दिया पहलवानों ने, चौधरी साहब 5 दिन में हमें न्याय ना मिला तो हम आत्मदाह कर लेंगे। इस सारे मसले को लेकर सर्व खाप की, सर्व समाज की पंचायत जो है आज सोरम में है। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है, जो दूसरे साइड के जो लोग हैं, कि आंदोलन सिर्फ जाटी कर रहे हैं। देखो, बहुत गलत फहमी है, हर बिरादरी का सहयोग है। आप यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, यहाँ ठाकुर समाज के भी है, गुज्जर समाज के भी है, त्यागी समाज के भी है, मुस्लिम भाई भी है। भाई, हम तो आत्मिक रो रहे हैं, आत्मा। उन बेटियों की हालत देख कर, उनकी वहाँ पिटाई देख कर, उनकी वहाँ बेइज्जती देख कर, उनके वे मेडल देख कर, और वे मेडल टिकैत साहब के पास सौंप रखे उन्होंने। अब हमें तो यूँ भी डर सता रहा कि 5 दिन तक उनका कोई निर्णय ना हो, वे बेचारी कुछ गलत कदम ना ठा ले। कहा उन्होंने हम आत्मदाह कर लेंगे, तो उस डर में ही तो यह पंचायत बुला रखी कि भाई वे बच्चे कुछ गलत कदम ना उठा ले। देखो, किसान बिरादरी जब दिल्ली में पांच दर्द है, फिर करे बहनों भाइयों मेरी गलती माफ करना। तो भाई, हम तो इनसे पीछा छुटाना चाह रहे हैं जाली मुंह है।
इनके दोनों बदल एक ही मुद्दा है हिंदू मुस्लिम, और जो इनके खिलाफ आंदोलन कर रहा है उसे ये जाति धर्म में बांटने की कोशिश करे, बदनाम करने की कोशिश करे। किसान आंदोलन इतना बर्बाद किया, आंदोलन जीवी धरना जीवी पता नहीं किस किस तरह से उन्होंने किसान आंदोलन को बदनाम किया। इसी तरह पहलवानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे, एक जाति का बता रहे, एक राज्य का बता रहे, तो ये बिल्कुल तानाशाही चलने के लिए सरकार पहले भी चुकी थी आगे भी चुकेगी। अरे बागडोर खान चौधरी बाग आप लोगों की लड़ाई साझा मंच किसी बिरादरी की निभात आज तो गजब का ही सिस्टम है, सभी बिरादरों के हंसी में आ रहे, कोई नूबी नहीं भाई। तो हम तो आप लोगों को यही कहे बस समय समय पे इकट्ठे होते रहो, जालो कही जालो कही यही उतरना पड़ेगा इसी छतरी पे, कहीं भाग लो, कोई नहीं थारी सुनने वाला। यह बिल्कुल तमाम हकीकत बता रहा, कोई थारी सुनने वाला नहीं भाई। जैसे भी कुछ है दुख सुख में यहां आप लोगों के साथ में खड़े, और आप लोगों के बिना, आप लोगों के बिना भी कुछ नहीं कर सकते हम, हमारे द्वारा भी आप लोगों के बिना कुछ नहीं। और समाधान तक एक और बात देखो, समाधान तक संघर्ष जारी रहेगा चाहे कुछ भी बात हो जाओ। और सुप्रीम कोर्ट जाए होगा नहीं कुछ, क्योंकि बात जान लीजिए राम मनोहर लोहिया जी जो कहते थे सही कहते थे।